जॉब संबंधी अपडेट पाने के लिए नवजागृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नवजागृति यूट्यूब चैनल में, जहां मैं लाता रहता हूं आपके लिए नई नई जॉब की जानकारी। और आज की जॉब है बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ईस्टर्न रीजन BOPT द्वारा जारी विभिन्न रिक्त पदों की। BOPT कोलकाता ने स्टेनोग्राफर, जनरल असिस्टेंट, UDC, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क और मल्टीटास्किंग स्टाफ के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बताने वाला हूँ पिछले वीडियो के क्वेश्चन का सही जवाब देने वालों के नाम। और उसका सही जवाब दिया है मोहम्मद अरशद अरमान, अभिषेक सिंह, पार्टी ऑर्गेनाइज, शिवराम मीना, शुभम शर्मा, विष्णु कोरी, राहुल जाजौरिया, संदीप कुमार। साथियों, आज भी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं जॉब की। पोस्ट का नेम स्टेनोग्राफर, इसका पे स्केल 35,400 रुपये से 112,400 रुपये तक का है। और अगला पद जनरल असिस्टेंट का, इसका पे स्केल 29,200 रुपये से 92,300 रुपये तक का है। और अगला पद अपर डिवीजन क्लर्क, इसका पे स्केल 25,500 रुपये से 81,100 रुपये तक का है। और लोअर डिवीजन क्लर्क और मल्टीटास्किंग स्टाफ, इन दोनों का ही पे स्केल 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक का है। जॉब लोकेशन इसकी कोलकाता, वेस्ट बंगाल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्टेनोग्राफर पदित शैक्षिक योग्यता अभ्यर्थी मेट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष होना चाहिए। शॉर्ट हैंड में 100 शब्द प्रति मिनट की गति और टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर के रूप में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और कैंडिडेट्स के पास बैचलर डिग्री होना डिजायरेबल है। जनरल असिस्टेंट पदित शैक्षिक योग्यता अभ्यर्थी आर्ट, साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम में सेकंड डिवीजन से बैचलर डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। 8 वर्ष का रिलेवेंट फील्ड में टेक्निकल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में अनुभव होना चाहिए। सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान डिजायरेबल है। अपर डिवीजन क्लर्क पदहित UTC पदहित शैक्षिक योग्यता अभ्यर्थी ग्रेजुएट होना चाहिए और हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। टाइपिंग का ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान, 5 वर्ष का अनुभव डिजायरेबल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर लोअर डिवीजन क्लर्क पदहित शैक्षिक योग्यता अभ्यर्थी मेट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष होना चाहिए और टाइपिंग में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स में प्रमाण पत्र होना डिजायरेबल है। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS पदित शैक्षिक योग्यता अभ्यर्थी मेट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष होना चाहिए या ITI पास होना चाहिए। एज लिमिट, स्टेनोग्राफर पद हेतु अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और जनरल असिस्टेंट पद हेतु अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क UDC और LDC दोनों ही पद हेतु अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और मल्टीटास्किंग स्टाफ पद हेतु अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 14 अगस्त 2018 को की जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी, स्टेनोग्राफर के कुल पदों की संख्या 1 है जो अनरिजर्व्ड है और जनरल असिस्टेंट के कुल पदों की संख्या 1 है जो अनरिजर्व्ड है और अपर डिवीजन क्लर्क के पदों की संख्या भी 1 है जो अनरिजर्व्ड है और लोअर डिवीजन क्लर्क के कुल पदों की संख्या 2 है, जिसमें कि 1 अनरिजर्व और 1 PWD OH के लिए है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के कुल पदों की संख्या भी 1 है जो अनरिजर्व्ड है। हाउ टू अप्लाई, इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट www.boper.gov.in के माध्यम से पूरी डिटेल को ध्यान से पढ़कर अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट टू रिमेम्बर, इसके आवेदन करने की लास्ट डेट 14 अगस्त 2018 है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज गो टू एडवर्टाइजमेंट लिंक एंड वेबसाइट। इससे अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.boper.gov.in पर जाएं और पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आपको आवेदन करना भी चाहिए। इसके नोटिफिकेशन का लिंक और वेबसाइट का लिंक, दोनों ही लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन और वेबसाइट दोनों ही देख सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। और अब समय है आज के क्वेश्चन का। आज आपके लिए क्वेश्चन है, पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए फॉरेनहाइट, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी प्रीस्टले। तो कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में सही आंसर देने वालों के नाम अगले वीडियो में अनाउंस किए जाएंगे। इसी तरह जॉब के डेली अपडेट पाने के लिए नवजागृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल के आइकॉन को सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।